अरवाई साइबर सिटी गुड़गांव के कई निवासियों ने आज लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इन सभी लोग अपने आशियाने को लेकर सीएम से मुलाकात करना चाहते थे। ये बिल्डर की धोखाधड़ी पर हरियाणा सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपनी जमा पूंजी लगाकर घर खरीदने का सपना बिल्डर ने तोड़ दिया। लाखों रुपए तो ले लिए लेकिन घर नहीं दिया। गुड़गांव के लघु सचिवालय पर अपने घर के लिए गुहार लगाने कई लोग पहुंचे, कुछ बिल्डर से परेशान तो कुछ प्रशासन से हैरान। ये ग्रुप सेक्टर 55 की सुनहरा अपना घर हाउसिंग सोसाइटी के खरीदारों का है। इन लोगों को बिल्डर ने साल 2009 में फ्लैट देने का वादा किया था। मैटर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के डायरेक्ट ज्यूरिडिक्शन में आता है, सरकार के डायरेक्ट ज्यूरिडिक्शन में आता है। हम लोगों ने 100 से भी ज्यादा चक्कर लगाए हैं डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में, पर हर बारी हमें एक भिकमंगों की तरह ह्यूमिलेट करके बाहर भेज दिया गया कि आप मेंबर नहीं है। 80% भुगतान करने के 7 साल बाद भी घर नहीं मिला तो सड़क पर ना आए तो क्या करें? अपनी खून पसीने की कमाई बिल्डर यूं हथिया ले तो मध्यम वर्गीय खरीदार कहां जाएं? कोई ऑडिट हुआ है इनका ना कुछ हुआ है, और जो अभी हमने सीएम विंडो में डाला हुआ था उसके चलते हमको यहाँ पे बुलाया गया है। प्लस हमने एआर और डीआर के रजिस्ट्रार में भी डाला हुआ है केस, बट वहाँ से अभी तक कोई रिस्पांस आया नहीं है। लेकिन अपने आशियाने के लिए प्रशासन से मदद मांगने सिर्फ फ्लैट बायर ही नहीं पहुँचे, दयानंद कॉलोनी के लोग भी परेशान है। प्रशासन ने उन पर अवैध कब्जा करने का नोटिस भेज दिया है, जबकि 32 साल से वहाँ रह रहे इन लोगों का कहना है कि उनके पास तो बाकायदा कानूनी रजिस्ट्री है। 7/7/2015 को ग्रीन्स कमेटी मीटिंग उमेश अग्रवाल ने स्पेशल सीएम साहब के आगे कमी रखी थी, उनके ऊपर सीएम साहब गलत फैसला लेने जा रहे हैं, उनके हम बुरी तरह अपोज करते हैं, अगर खुदा न खास्ता इन्हें तो। इन लोगों का कहना है कि 150 घरों पर अब मकान टूटने का नोटिस दे दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये जमीन हुडा की है और यहाँ रहने वाले लोगों को जमीन खाली करनी होगी। संजय खन्ना, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुड़गांव।